हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चेतन और प्रिय परिवार एग्जाम पूर्ण। दोस्तों आशा करूंगा सभी लोग मस्त होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आपका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक भी है, तो इन पेपर को देखते हुए हम लोग चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से देखो। एक पेपर से पहले क्या चीजें होती है कि आपको एक रिविजन हो जाए किसी भी चीज की तैयारी कर आपके लिए, चाहे पीसीएस की, चाहे एमटीएस की, चाहे सीजीएल की, चाहे एसएससी की, दिल्ली पुलिस कोई भी तैयारी करे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आज जो मैं लाया हूं ना बाबू, वन लाइनर में लाया हूं, ठीक है, वन लाइनर। आज हम लोग करेंगे जनवरी, ठीक है, आज हम लोग आपके लिए करेंगे जनवरी के करेंगे, ठीक है, जनवरी करेंगे और ये वन लाइनर करेंगे, ठीक है, वन लाइनर मतलब कि यहां पर आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, वन लाइनर करेंगे। तो एक से लेकर 14 जनवरी तक होगा, एक से लेकर 14 जनवरी तक याद रखा वन लाइनर होगा प्रॉपर, बहुत ही शानदार तरीके से, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे और मुझे विश्वास है कि लगभग 14 दिन का अगर लेकर चलूं तो एक दो तो संडे पड़ जाएगा। तो यहां पर लगभग 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न में से मैं बता दूं कि लगभग लगभग जिस तरीके से हमने पढ़ा है और डेली पढ़े हो तो 120 प्रश्न में से मुझे लगता है कि आप लोग सही तो सही प्रश्न तो ये इतना 80 तो आपको याद ही होगा, 120 में से 80 आपको मुझे लगता है याद भी होगा, ठीक है, 80 लगभग आपको याद भी होगा, चलेगा। तो आप सभी लोग तैयार है तो एक बार बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ते हैं। तो 2 जनवरी, 1 जनवरी को तो छुट्टी था, तो 2 जनवरी, 1 जनवरी का तो क्लासेस नहीं थी ना, 1 जनवरी का तो तुमने न्यू ईयर बनाया था, ठीक है, चलेगा। सर 23-24 का बाबू पीडीएफ मिल गया, सौरभ जी देख लीजिएगा। अगला सब पहला सवाल है कि भाई साहब भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे 8 लेन जुवारी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, या किस राज्य में किया गया, ये आपका सवाल है। तो याद रहेगा कहां पर किया गया, गोवा में किया गया, कहां पे बच्चे, या गोवा में किया गया, गोवा में, ठीक है, समय थोड़ा सा बचेगा। अगला सवाल है लूला डिसिल्वा, लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा, ये वाला, अच्छा इतना तुमको नाम नहीं याद होगा इतना वाला, लेकिन ये तो याद है ना कि लूला डिसिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। लूला डिसिल्वा की बात करता हूं कि किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो लूला डिसिल्वा की बात करता हूं, याद रहेगा ये ब्राजील के, ठीक है, याद रहेगा जायर बोल्सोनारो के जगह पर ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख बनाया गया, तो एन चंद्रशेखरन को किस राज्य का आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख बनाया गया, तो याद रहेगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का नए राज्यपाल वगैरह याद है ना, ये महाराष्ट्र, ठीक है बच्चे, चलेगा। हाल ही में किस राज्य के निजात अभियान को IACP याद रहेगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द पुलिस, तो याद रहेगा तंबाकू पे नियंत्रण कम करने के लिए, तंबाकू पे नियंत्रण करने के लिए से नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ, इस अभियान के तहत याद रहेगा, इस लोगों के तहत निजात अभियान कहां का था, ये छत्तीसगढ़ का निजात अभियान, ठीक है, छत्तीसगढ़ का यह आपका निजात अभियान हो जाता। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, किस पड़ोसी देश ने नव निर्मित पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने नव निर्मित पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 जनवरी से चालू किया है, तो ये नेपाल का, ठीक है, ये कहां पर, यह नेपाल में चालू किया गया। आगे की तरफ बढ़ते, जॉर्ज कोहेन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे, जॉर्ज कोहेन का हाल ही में निधन हो गया, याद रहेगा यह फुटबॉल से जुड़े हुए थे, कहां से, यह फुटबॉल से जुड़े हुए थे, फुटबॉल से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, हाल ही में स्वदेशी भुगतान एप्लीकेशन भीम द्वारा कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो भीम की याद रहेगा 2022 में ये 31 जनवरी को मनाई गई थी, 31 जनवरी को याद रहेगा छठी वर्षगांठ मनाई गई थी, कौन सी, ये छठी वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है, छठी वर्षगांठ मनाई गई थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी लगभग, हाँ देखिए मैं बोला तो हम लोग आप लोग को बहुत सारी चीजें याद होगा क्योंकि इतना मैंने मतलब कि पढ़ा दिया हो ना, इतना आप लोग को रिलेट करके पढ़ाया हो चीजों को, इसीलिए बोलता हूँ 360 डिग्री वाली जो क्लास, मॉर्निंग वाली क्लास है ना भाई साहब, भलो ही आप मेरे साथ 2 महीना जुड़िए, पिछले 3-4 महीना का करंट अफेयर याद करा दूंगा, ठीक है, चलेगा। किस राज्य ने भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ प्रस्तुत किया, तो भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो याद रहेगा आंध्र प्रदेश के द्वारा, किसके द्वारा बच्चे, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा। कुछ बच्चे मांग रहे MCQ, बच्चे याद रहेगा कभी कभी कोई समय की वो है तो आप यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से एक बार पढ़ देते हैं। मोहित जी पूछ रहे ऑप्शन, बाबू सवाल देखो, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
थोड़ा सा समय बच रहा है ना, एक ही पेज पे हम दौड़ रहे हैं, नहीं तो वैसे करता तो एक घंटे में 40 क्वेश्चन ही करा पाता, यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन करा दूंगा मैं तो। मतलब कि क्वेश्चन से एमसीक्यू हटाया, फिर आप एमसीक्यू डालने के बोल रहे हो। प्रिजर पुरस्कार विजेता अराता इसोगो, अराता इसो जाकी का 91 वर्ष के हुए, अभी मैं निधन हो गया, यह किस देश से थी? तो प्रिजर पुरस्कार विजेता की बात करता हूँ, अराता इसो जाकी की बात करता हूँ, जापान की। अराता इसो जाकी कहाँ पे? ये जापान के। चलेगा, थोड़ा सा कमेंट के तरफ कम ध्यान देंगे, यहां पर पढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, भाई साहब गर्दा कर देना, ठीक है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? याद रखा, दिनेश कुमार शुक्ल। किसको चुना गया बच्चे? दिनेश कुमार शुक्ल को, दिनेश कुमार शुक्ल। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? और किसको किसको दिक्कत हो रहा है वन लाइनर से? ठीक है, अगला सवाल। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे? तो अजय कुमार श्रीवास्तव। किसको बच्चे? अजय कुमार श्रीवास्तव। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ किसे चुना गया? अजय कुमार श्रीवास्तव को। अजय कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, अजय कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, चलेगा। तो एक तारीख का हो गया। अब आते हैं अगले दिन के, अगले दिन में आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में मतदाता प्रतिशत को 90 से अधिक करने के लिए मिशन 929 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? त्रिपुरा के द्वारा। अगर सवाल ये पूछ लेगा कि जनवरी 2023 में त्रिपुरा ने मतदाता प्रतिशत 90 से ज्यादा करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था, तो मिशन पूछ देता तो याद रहेगा 929। कौन सा? 929। तब से लेकर मुझे लगता है 4-5 बार ये चीज आपको पढ़ा चुका, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते, डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को, तो डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ। और जल्दी से बताएगा डीआरडीओ का प्रमुख कौन है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1958, इस बात को जरूर याद रखा, 1 जनवरी 1958। प्रमुख की बात करता हूँ, प्रमुख की बात, हेडक्वार्टर की बात करता हूँ, कहां पर? ये नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाता है। बताइए कि वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ ने याद रखा यहां पर अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 65वां स्थापना दिवस से मनाया। डीआरडीओ के हाल ही में प्रमुख के रूप में किसे? चलेगा, डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? वेरी गुड, तो समीर बी कामत। डीआरडीओ के अभी प्रमुख कौन है? तो समीर बी कामत। तो समीर बी कामत की बात करते हो तो क्या बच्चे? डीआरडीओ के अभी प्रमुख है। कौन से? समीर बी कामत की बात करते हो, डीआरडीओ के प्रमुख है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वेरी गुड सुमेल राजा, वेरी गुड, शाबाश दोस्त। अगला सवाल, भारत और किस पड़ोसी देश ने परमाणु संधि और जेल कैदियों की सूची पर आदान प्रदान किया? परमाणु संधि और याद रहेगा और जेल कैदियों की सूची पर आदान प्रदान किया, तो भारत ने किसके साथ परमाणु संधि और जेल कैदियों की सूची का कि कितने लिस्ट है, क्या भाई साहब तुम्हारे पास हमारे कितने हैं और मेरे पास तुम्हारे कितने हैं? याद रखिएगा पाकिस्तान। किसके साथ? पाकिस्तान के। बाबू पाकिस्तान के वर्तमान में पीएम कौन है? पाकिस्तान का जो पीएम है वो शरीफ नहीं है, ठीक है। गुरुजी बिना इवेंट का कौलास दौड़ा रहे हो? नहीं नहीं बाबू, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बिना इवेंट का कैसे बनेगा? तुम पढ़ लो ना, पहले पढ़ो, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में किस क्लब से शामिल हुए? याद रखा यूए में क्लब है अल नासर, ठीक है, अल नासर से शामिल हुए थे, अल नासर से शामिल हुए थे, अल नासर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के कुनूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? तो इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस कहां पर? केरल में, केरल के कुनूर में, केरल के कुनूर में। हाल ही में यूरो ने अपना मुद्रा के रूप में क्या अपनाया? वाह 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 वाह। हाल ही में किस देश का, देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में, हाल ही में ये इंपॉर्टेंट बनता थोड़ा सा, हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है? यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में हाल ही में किस देश ने अपनाया है? तो क्रोएशिया, क्रोएशिया ने, किसने अपनाया? क्रोएशिया, क्रोएशिया ने हाल ही में यूरो को अपने मुद्रा के रूप में अपनाया, हाल ही में अपने मुद्रा के रूप में अपनाया। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में पशुओं के लिए पहली IVF इनवर्टी फर्टिलाइजेशन तो कहां पे बच्चे? तो याद रहेगा गुजरात में। इनवर्टी फर्टिलाइजेशन कहां पर? या गुजरात में, गुजरात में पहली बार इनवर्टी फर्टिलाइजेशन, गुजरात में कहां पर? इनवर्टी फर्टिलाइजेशन। चलेगा, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के
उस्मान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास केंद्र निगम के उस्मान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा ये बच्चे कहां पर, नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? या नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भैया मोदी ने किस शहर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया? तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया है, कहां पर किया है कमेंट करके बताएंगे, कहां पर कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश। चलेगा, शाबाश, बताइए। चलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र भैया मोदी ने, वेरी गुड बच्चे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है वन लाइनर से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 108वीं भारतीय विज्ञान केंद्र को कांग्रेस को संबोधित किया है? चलेगा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? ओ पढ़ ले, सकरपारा बूंदी क्या होता है जानना उसे, ठीक है। चलिए, कहां पे बच्चे, कहां पर? नागपुर में। कहां पर? नागपुर। तो ये कहां पे संबोधित किया गया? नागपुर में। कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में। कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर हॉकी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। एक बोल रहा है कि ये कौन लड़का है, ऐसे छोड़ो ना पढ़ाया जाता है, बोलना क्या चाहते हो भैया, ठीक है। चलेगा, तो ये याद रहेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। तो सवाल पूछा बच्चे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर हॉकी किसने जीता? तो देखो, अगर मैं बात करता हूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर हॉकी की बात करता हूं, इसका जो मेजबान रहा था कहां पर रहा था, कहां पर ये मैच हुआ था, कितनी बार करा दिया, ये कहां पर मैच हुआ था बच्चे? उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, उड़ीसा में हुआ था। अगर महिलाओं की विजेता की बात करता हूं, महिला विजेता की बात करता हूं तो हरियाणा रहा था, और मेल की बात करता हूं कौन सा रहा था, ये स्पोर्ट्स वाले में कराया हूं, मेल की बात करता हूं एमपी रहा था। मेल में कौन जीता था? एमपी जीता था, मध्य प्रदेश जीता था, ठीक है। चलेगा, किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली थी? तो पंकज मोहन सिन्हा। आज ही पीडीएफ मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, क्योंकि ना हमें अभी मैं देखा हूं कि जोराट में पीडीएफ अपलोड करते वो अभी आए हुए थे, तो दिख जाएगा। आर के कृष्ण कुमार की 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किसके पूर्व निदेशक थे? तो याद रखा, ये टाटा सन्स के पूर्व निदेशक। तो आर के कृष्ण कुमार का निधन हो गया, ये टाटा सन्स के क्या थे? पूर्व निदेशक थे। भाई साहब, आपका जहां पर कमेंट कम दिख रहा, मेरे समझ में आ जा रहा है कि कहीं तो गड़बड़ी है। चलेगा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया गया? सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सियोम ब्रिज का उद्घाटन याद रखा, ये अरुणाचल प्रदेश में। सियोम ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने बताना? तो अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। अगला सवाल, हाल ही में किन गैंग को किस देश के नए और सबसे युवा विदेश मंत्री बने? किन गैंग की बात करता हूं, किस देश के नए और सबसे युवा विदेश मंत्री बने? तो किन गैंग है? चाइना के। जबकि चाइना के अगर मैं राष्ट्रपति की बात करता हूं, जो दोबारा फिर से राष्ट्रपति बने प्रेज की बात करता हूं, तो सी जिनपिंग है। जबकि यहां पे पीएम या जिसको हम लोग प्रीमियर बोलते हैं, याद रखा, ली कियांग, ठीक है, ली कियांग बने। अगला सवाल, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आप सभी लोग को ग्रैंड मास्टर की पूरा का पूरा सूची याद है कि नहीं? कितनी बार करा दिया? मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत बार करा दिया, ठीक है। चलेगा, तो सर ये क्लास ऐसे ही चलती है, मतलब क्या है? आज लग रहा पहली बार हो बाबू, ये आपको एक क्लास में एक सुपर फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है, जनवरी का सुपर डुपर फास्ट।
तो ये जब मैं स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया हूं तो इसमें बहुत बार करा दिया हूं 78, 79, 80, 81। सर समझ में ना आता, बहुत स्पीड, थोड़ा सा स्पीड कम कर लेते। और सबसे बड़ी बात की समझ में ना आता, सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि यहां पर आपको समझा नहीं रहा हूं, आपको यहां पर समझा ही नहीं रहा हूं। आप क्या करा रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं, उसका आंसर आपको चाहिए, उसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न है आपके पास। तो भारत के 78, और आप ही लोग में से जो लोग हैं, बहुत लोग सब प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो समझिए कि वो पढ़े हुए हैं, पढ़ाई पहले हो गया है, ये समझिए। तो ग्रैंड मास्टर कौन है बच्चे, कौस्तव चटर्जी। बताइए कौस्तव चटर्जी किस राज्य से, कौस्तव चटर्जी वेस्ट बंगाल। कौस्तव चटर्जी वेस्ट बंगाल। और अगले संडे को याद रहेगा, आने वाले संडे को याद रखिएगा, 8 घंटे का मैराथन लेकर आऊंगा, 8 घंटे का मैराथन, ठीक है, पूरा का पूरा। आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्री फुले बाई जयंती कब मनाई गई, तो पहली महिला टीचर की बात करता हूं, सावित्री फुले बाई जयंती की बात करता हूं, महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र से है। सावित्री फुले बाई जयंती ये 3 जनवरी को मनाएगा। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, ये याद रहेगा महाराष्ट्र से है, क्योंकि ये सवाल अभी पूछा हुआ था किसी में, पेपर में देखा कि ये सवाल पूछा हुआ था कि कहां से है। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लाई कला, तो श्रीनगर में छात्रों के साथ सीआरपीएफ ने, ठीक है, सीआरपीएफ ने। इस फाइल को एक दो बार जरूर पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, वाह भाई वाह भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट, जब भी पहला शब्द जुड़ जाए और उसमें महिला की बात है, पहली महिला अधिकारी। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो याद रखा, पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो पहली महिला अधिकारी की बात करता हूं, कौन बनी है, तो इस बात की याद रखा, कैप्टन शिवा चौहान। कौन सा कैप्टन? शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान। किताब ब्रेकिंग बैरियर किसने लिखा, ब्रेकिंग बैरियर किताब हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई, तो काकी माधवराव। ब्रेकिंग बैरियर किताब की बात करता हूं, किसके द्वारा लिखा गया, काकी माधवराव के द्वारा ये ब्रेकिंग बैरियर किताब लिखा गया, चलेगा। शिवा चौहान, पीएम मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी उत्तर प्रदेश से डैश तक दुनिया के सबसे लंबे रिवर ब्रिज का, ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लेकर कहां तक, तो डिब्रूगढ़, वाराणसी से कहां तक लेकर, याद रहेगा डिब्रूगढ़ आसाम तक, ठीक है, याद रहेगा डिब्रूगढ़ आसाम तक। अरे डिब्रूगढ़ आसाम तक, ठीक है। अगला सवाल है, इस वर्ष कितने लोग को प्रवासी भारतीय दिवस से सम्मानित किया जाएगा, किया गया तो 27 लोगों को। कितने लोग को प्रवासी भारतीय दिवस को, कितने लोग को, 27 लोगों को। भारत के चुनाव आयुक्त के द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन के रूप में कितनी बार बताया हूं बिहार के लिए स्टेट आइकन के रूप में, जल्दी से बताएगा, बिहार के लिए अगर नेशन आइकन के रूप में पूछेगा तो अपने कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। और हाल ही में आप लोग को पढ़ाया था आइकन किसके लिए, तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होता है उनके लिए मजमा जोगोती करके हो जाती है, ठीक है। बिहार आइकन के रूप में किसे चुना गया, मैथिली ठाकुर को, ठीक है, मैथिली ठाकुर, चलेगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश के द्वारा, किसके द्वारा, ये मध्य प्रदेश के द्वारा। किस देश ने 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता, तो G20 की तो भारत करा, आप सभी लोग का मैंने इस क्लास की शुरुआत ही की थी सम्मेलन वगैरह, तो सम्मेलन वगैरह आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, सम्मेलन, वैसे बहुत बार आप लोग को सम्मेलन बताया हूं, ठीक है, सम्मेलन होगा, तो G20 का जो अभी सम्मेलन होगा कहां पर होगा, पिछले साल तो जर्मनी में हुआ था, तो अभी जो सम्मेलन होगा कहां पर होगा, जापान में होगा, अभी सम्मेलन कहां पर होगा, तो ये जापान में होगा, ठीक है, जापान में होगा। अगला सवाल, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4, ठीक है,
विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता, 4 जनवरी को मनाया जाता, ठीक है, 4 जनवरी को मनाया जाता और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता। अगला सवाल है, किस देश ने 2023 के पहले, ये दिवस आप लोग को कराया हूं, किस देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता, तो 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता किसके पास होगा, तो पहले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता किसके पास होगा, स्वीडन के पास, ठीक है, किसके पास होगा, स्वीडन के पास, पहले 6 महीने के लिए स्वीडन के पास होगा यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता, ठीक है। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी भारत का सबसे तेज गेंदबाज बना, तो याद रहेगा भारत का सबसे तेज गेंदबाज, इसने हाल ही में कौन सा खिलाड़ी भारत का सबसे तेज T20 गेंदबाज बना, T20, तो T20 में सबसे फास्ट गेंद फेंक दिए थे, इतना किसी को स्पीड, किसको किसको दिक्कत हो रहा है एक बार बाबू बताइएगा, तो आप लोग ना मैनेज नहीं कर पाते हो चीजों को। मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले बोल दिया कि आज थोड़ा प्रश्न ज्यादा है, ठीक है, चलेगा। तो याद रखा ये उमरान मलिक बने, कौन सा, उमरान मलिक, प्रकाश पोदार का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे, प्रकाश पोदार का निधन होगा वो किस खेल से जुड़े हुए थे, तो याद रखा प्रकाश पोदार का निधन होगा ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे, कौन से, क्रिकेट से, प्रकाश पोदार क्रिकेट, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां पर संविधान, ये पेपर में भाई सवाल आ भी गया, देखो जनवरी का चीज है, ये पेपर में सवाल आ भी गया, तो इंपॉर्टेंट मान लीजिए, देखो राष्ट्रपति वगैरह जो संबंधित है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जरूर याद रहेगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया, कहां पर, संविधान पार्क, ठीक है, संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन, कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन कहां पर, तो जयपुर में, कहां पर, जयपुर में, जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड की जम्बूरी का उद्घाटन किया, तो यह राजस्थान में, कहां पर, राजस्थान में। अगला सवाल क्या बच्चे, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना, हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला, ठीक है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना, एशिया का पहला दुनिया का दूसरा देश बना, चाइना बना, कौन सा बना, चाइना बना, ठीक है। अगला सवाल, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव पूछेगा किसे बनाया गया, तो विनय प्रकाश सिंह को, ठीक है, याद रखा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। बच्चे इस फाइल को ना 2 बार जरूर पढ़िएगा और 1 बार संडे को तो मैं फिर से कराऊंगा, वहां पर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करा दूंगा बोलोगे तो, ठीक है, वो यूट्यूब पर होगा, वो क्लास यूट्यूब पर होगा, एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर होगा। हाल ही में किस राज्य ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया, ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया, याद रहेगा इसने उत्तराखंड ने, बच्चे किसने, उत्तराखंड ने, उत्तराखंड ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए, तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए याद रखा हिमाचल प्रदेश में, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, यह सतलज नदी पे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे। चलिए आगे बढ़ते, दीदीर सुरक्षा कवच अभियान और दीदी के दूत मोबाइल ऐप, दीदीर सुरक्षा कवच अभियान और दीदी के दूत मोबाइल ऐप, दीदी के दूत मोबाइल ऐप ये कहां पर लॉन्च किया गया, कहां पर लॉन्च किया गया, दीदी किस राज्य के मुख्यमंत्री को दीदी दीदी बोला जाता है, बताइए, वेरी गुड, शाबाश। चलेगा, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच और दीदी के दूत, दीदी के दूत मोबाइल ऐप ये कहां पे लॉन्च किया गया, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, बताइए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, पश्चिम बंगाल में, अगर मैं दीदी की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करता हूं, हेलो 39 नंबर स्टूडियो 39 ठीक है,
तो दीदी सुरक्षा कवच अभियान या दीदी के मोबाइल ऐप की बात करता हूं। यहाँ कहां पे पश्चिम बंगाल, कहां पर वेस्ट बंगाल, ठीक है वेस्ट बंगाल। याद रहेगा ये सबसे अभी हाल ही में डेटा के अनुसार ये सबसे कम पैसे वाली, जिनके पास सबसे कम संपत्ति इसके पास इनके पास है, इनके पास तो ममता बनर्जी के पास, ठीक है। आप मुझे बताइए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा संपत्ति, 510 करोड़ रुपया, 510 करोड़ रुपया, ठीक है। याद रहेगा यहाँ के जो राज्यपाल की बात करता हूं तो सीबी आनंद बोस है, कौन से सीबी आनंद बोस, ठीक है। किस राज्य के जेलिया गरोंग समुदाय के द्वारा, तो जेलिया गरोंग समुदाय के द्वारा गान नगाई त्योहार कहां पर मनाएगा, गान नगाई त्योहार कहां पर मनाएगा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, और रणजी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, रणजी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले, ठीक है। तो देखो रणजी से बहुत सारे सवाल कराया था, ठीक है चलेगा। तो गान नगाई की बात करता हूं, गान नगाई की बात करता हूं कहां पर, ये मणिपुर, ठीक है। गान नगाई की बात करता हूं कहां पर, ये मणिपुर। अध्यक्ष की बात करता हूं कुलदीप सिंह पठानिया, कुलदीप सिंह पठानिया। और रणजी में के पहले ओवर में, ठीक है रणजी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने, रणजी के पहले ओवर में हैट्रिक लेना, तो रणजी से बहुत सारे चीज बताया था कि पृथ्वी शाह ने भी अपना व्यक्तिगत दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो रणजी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज की बात करता हूं, क्या नाम था, पृथ्वी शाह ने व्यक्तिगत बनाया था, स्पोर्ट्स वाले में तो ये बहुत बार करा दिया हो, तो याद रखा इनका नाम था जयदेव उनादकट, जयदेव उनादकट, जयदेव उनादकट, कौन सा जयदेव उनादकट, जयदेव उनादकट, ठीक है चलेगा। अगला सवाल है उड़ीसा ने किस मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता, उड़ीसा के किस मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया, उड़ीसा के किस मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया, याद रखा जग्गा मिशन, उड़ीसा के जग्गा मिशन को, उड़ीसा के जग्गा मिशन को, उड़ीसा के जग्गा मिशन को संयुक्त वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया। अगला सवाल है किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के स्वामित्व वाले सर्वाधिक टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा, तो किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के स्वामित्व वाले सर्वाधिक टेस्ट शतक, विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट टेस्ट सेंचुरी हेल्ड बाय द डोनाल्ड, तो याद रहेगा सर डोनाल्ड ब्रैडमैन वहां के खिलाड़ी थे, तो सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया, तो स्टीव स्मिथ थे, ठीक है याद रहेगा स्टीव स्मिथ। अगला सवाल है किसे बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ के रूप में, तो बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ के रूप में जेसन जू करके हो जाते, ठीक है तो जेसन जू की बात करता हूं, बैंक ऑफ सिंगापुर जेसन जू की बात करता हूं, वेरी गुड, अरे शाबाश शाबाश दोस्तों शाबाश, मतलब याद तो है अब पढ़ रहे हो, जे अब आप अपने समझो, जो बच्चे यहां पर क्लास में बहुत लोगों मैं बता दू एक ईमानदारी से बात बताऊं, जो आज करा रहा हूं ना बहुत लोग ना क्लास को छोड़कर चले गए होंगे, बहुत लोग मुझे लगता है कि 2-4 हजार लोग तो ऐसे ही चले गए होंगे, और जो इतने बच्चे जवाब दे रहे हैं आप ही लोगों में से, क्योंकि कम जवाब पता चल जा रहा है कि रिपीटेड नाम से जवाब एक ही, मतलब कुछ नाम है वो सेम नाम है, उसी नामों से सवाल आ रहा जवाब आ रहा है, तो इसे भी पता चल सकता, ठीक है। तो जेसन मुंह करके हो जाते, जेसन मुंह हो जाते, जेसन मुंह हो जाते। किस शहर में जल पर प्रथम अखिल, किस शहर में जल पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन, तो अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन का पहली बार आयोजित किया गया जल पर, तो याद रखा भोपाल में, कहां पर भोपाल में, भोपाल में। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद इरफान अली किस देश के, तो मोहम्मद इरफान अली तो इतने ही चर्चे में, गुवाना के, मोहम्मद इरफान अली कहां के, ये गुवाना के राष्ट्रपति, ये तो मुख्य अतिथि थे। एक बार सर हम लोग आपसे मॉर्निंग में पढ़ते, नहीं बात वो नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपको सभी लोग को याद होना चाहिए। वैसे तो करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर मुझे लगता है एकमात्र ऐसा संस्था जो आप लोग को एप्लीकेशन पे भी पढ़ाता, और यही रीजन है कि आप सभी लोग को बोलता हूं कि मॉर्निंग में, सर कितने स्टूडेंट है इस समय, होंगे 7-8 हजार होंगे इतना, क्योंकि यहाँ पे लाइव दिख नहीं पाता है ना अभी, चलेगा छोड़े उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या मतलब है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैभव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G
दूरसंचार सेवाओं का शुभारंभ किया, ठीक है, दूरसंचार याद रखिएगा ये उड़ीसा में, कहां पर, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। अच्छा जितने लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप सभी लोगों को 70-80% प्रश्नों का जवाब आ रहा है, क्या बताएगा, क्या आप सभी लोग को 70-80% प्रश्नों का जवाब आ रहा है, कमेंट करके बताएंगे 70-80% प्रश्नों का जवाब आ रहा है, ठीक है। जी शुभम करण जी, जी 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 दोस्त, क्योंकि सेम चीज था ना, ठीक है भैया, करण जी सेम चीज था ना, मैंने तो बोल ही दिया था डलवा दूंगा, मैंने तो बोला था ना बच्चे। चलेगा आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट, हाल ही में किसने प्राण आयु नामक एक लघु कथा के लिए, तो किताब का क्या नाम होगा, प्राण आयु, ठीक है, लघु कथाओं के संग्रह के लिए याद रहेगा ओड कुजल पुरस्कार 2022 जीता था, याद रहेगा अंबिका सुधन मंगट ने, कौन सा, अंबिका सुधन मंगट ने, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिसके स्टेचू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे स्थापित की गई, तो जिसके स्टैचू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे स्थापित की गई, कमेंट करके बताएंगे क्या आप सभी लोग को 70-80% चीज याद है, 80-90% याद है, 30% ओहो सूरज या तो नहीं, मैराथन लीजिए सर, मैराथन संडे को ले लेंगे बच्चे, ठीक है, सुबह में यूट्यूब एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। चलेगा तो याद रहेगा दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर तो बेलिंडा क्लार्क बनी, कौन सा बनी है, बेलिंडा क्लार्क। अगला सवाल 79 थे, तो देखो 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी अभी तक 2022 में कितने लोग को, तो चार लोग को दिया गया, तो 79th की बात करता हूं किसे बना गया, तो 79 की बात करता हूं प्रणेश एम, ठीक है, 79 की बात करता हूं तो ये प्रणेश एम बने, प्रणेश एम कहां के बच्चे, तमिलनाडु के। 79th की बात करता हूं वी एन आर विग्नेश, 79th एन आर विग्नेश को बनाया गया, और सेवा किसे बनाया गया, 79 तो ये हो गए, 80वां किसे बनाएगा, एन आर विग्नेश को, और 81वां किसे बनाया गया, सयंतन दास को, सयंतन दास को। चलेगा किस राज्य के अंदर शासित प्रदेश में एक बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो बेली सस्पेंशन ब्रिज कहां पर, बेली सस्पेंशन ब्रिज कहां पर, तो याद रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अगला संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी पलटन किस शहर में तैनात करेगा भारत, संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी पलटन किस शहर या किस क्षेत्र में तैनात करेगा, तो याद रखिएगा ये अबेय क्षेत्र सूडान का है, कहां पर ये अबेय क्षेत्र बच्चे कहां का, तो सूडान का ये अबेय क्षेत्र है, ये प्रश्न बार बार नहीं देखने को मिलते, तो अबेय क्षेत्र सूडान में मिलेगा। सुनील बाबू जिनका निधन होगा किस खेल से संबंधित है, किस क्षेत्र से, सुनील बाबू जिनका निधन हो गया या किस क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा सुनील बाबू की बात करता हूं फिल्म उद्योग से, फिल्म उद्योग से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जुनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो कहां पर, वेरी गुड शाबाश सिर, कहां पर, तो याद रखिएगा कहां पर इसे किया गया, तो पंजाब में, कहां पर बच्चे, पंजाब में, कहां पर, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, ठीक है शाबाश, ठीक है शाबाश 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 वेरी गुड। चलेगा अगला सवाल है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया था, तो एसएस राजामौली को, ठीक है याद रखा, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे मिला था, तो एसएस राजामौली, ठीक है ये वही है जिन्होंने मूवी बनाया था वो ना, कौन सा, आर आर आर, एसएस राजामौली, इन्होंने तो ये भी बनाया था ना, वो कौन सा मूवी है, अरे बहुत बढ़िया जो मूवी थी पिछले साल 2-3 साल पहले बनी थी, कटप्पा बाहुबली, अच्छा बाहुबली। नवीन पटनायक ने किस स्थान पर, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे याद रखा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, ठीक है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की बात करता हूं, अगर सवाल बस आपसे पूछते भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया,
भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया कमेंट करके बताएगा, तो उड़ीसा के राउरकेला में। कहां पर? राउरकेला, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, राउरकेला। राउरकेला कहां पर? उड़ीसा में, ठीक है। राउरकेला कहां पर? उड़ीसा में। राउरकेला कहां पर? तो उड़ीसा में आपको राउरकेला, ठीक है, उड़ीसा में राउरकेला में, ठीक है, उड़ीसा में बच्चे राउरकेला में यह किया गया, ठीक है, उड़ीसा में राउरकेला में यह किया गया। वेरी गुड, सबस, ठीक है। तो उड़ीसा में राउरकेला में किया गया, उड़ीसा में, ठीक है, सबस। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, देखो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करूंगा, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करेगा तो कौन सा बच्चे? नरेंद्र मोदी, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अगला सवाल आ जाता, किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट, ठीक है, किस बैंक ने जहां बंधन, तो बंधन बैंक ने। कहां पर? बंधन बैंक ने। कहां पर? बंधन बैंक ने, बंधन बैंक ने। अंबेडकर अलाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर अलाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर अलाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर। अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलेगा। क्लियर है बच्चे? चलेगा आगे बढ़। ओहो हो, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया फाइल, जिला का कोई फाइल गड़बड़ नहीं। किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? जनवरी 2023 में किस राज्य में जाति आधारित, ठीक है, चलिए। कास्ट बेस्ड सेंसस कहां पर? तो कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करो तो ये बिहार में, बिहार में बच्चे कास्ट बेस्ड सेंसस। कहां पर? बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस शुरू की है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता? तो अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, उत्तरायण के नाम से अहमदाबाद, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। चलेगा, सरकार ने किसके अध्यक्षता में लद्दाख में संस्कृति भाषा और रोजगार की शिक्षा के लिए एक समिति बनाई है? तो लद्दाख के लिए एक समिति बनाई है, ठीक है, लद्दाख के लिए क्या बनाई है? एक समिति बनाई है। तो पूछा है कि किसकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई है? तो श्री नित्यानंद राय, ठीक है, श्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में, श्री नित्यानंद, तो नित्यानंद क्या करेंगे? राय देंगे। कहां पर? लद्दाख में। नित्यानंद राय, तो नित्यानंद क्या देंगे? नित्यानंद देंगे बाबू, राय देंगे। किस काम के लिए? संस्कृति के लिए, भाषा के लिए, नित्य राय देंगे, नित्य नित्य राय देंगे। प्रसिद्ध फुटबॉलर ज्ञान लुक्का बियाली हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से, किस देश से जुड़े थे? तो ज्ञान लुक्का बियाली की बात करता हूं, इनका निधन हो गया, ये इटली के फुटबॉलर थे। कहां पे? ये इटली के फुटबॉलर थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बनता, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ, तो पूर्वोत्तर कृषि कुंभ कहां पर आयोजन किया गया? तो पूर्वोत्तर कृषि कुंभ की बात करता हूं, इसका आयोजन मेघालय में, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का मेघालय में आयोजन किया गया था। कहां पर? मेघालय में। पूर्वोत्तर कृषि किंग कहां पर? तो मेघालय में। पूर्वोत्तर कृषि किंग कहां पर? मेघालय में। हाँ जी सूरज जाडव जी, पहले पढ़ा ले कि पहले वही कर दे, पहले पीडीएफ दे दे कि पहले पढ़ा ले? चलेगा, अगला सवाल क्या है? ठीक है, अगला सवाल क्या हो जाता है? हाल ही में डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट, ठीक है, हाल ही में डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट किया जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। चलेगा, अगला सवाल है, द वॉइस ऑफ साउथ, याद रहेगा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का मेजबान देश कौन है, जिसकी थीम रहती है यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पज, यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पज। इसका याद रहेगा, जो मेजबान देश था भारत था, कौन सा था? मेजबान देश भारत था। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का मेजबान देश भारत था, थीम रही थी यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पज, यूनिटी ऑफ पर्पज, ठीक है, याद रहेगा, आवाज की एकता उद्देश्य की एकता, याद रहेगा। चलेगा आगे बढ़ते, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर एक पुस्तक
रिवोल्यूशनर, ठीक है, रिवोल्यूशनरीज लेखक कौन है हो जाते हैं, रिवोल्यूशनरीज के लेखक कौन हो जाते हैं, संजीव सान्याल, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज ऑन इंडिया रोल इन द फ्रीडम, संजीव सान्याल हो जाते, कौन से हो जाते, तो संजीव सान्याल, संजीव सान्याल। हाल ही में जारी पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा स्थान शीर्ष पे है, तो महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पे है, तो महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पे, कमेंट करके बताएगा, तो चेन्नई, ठीक है, कौन सा शहर शीर्ष पे बच्चे, चेन्नई है, कौन सा, चेन्नई है, चेन्नई है। कौन सा शहर पहली बार वर्ल्ड फार्मूला चैंपियनशिप हैदराबाद, और कल इसका विजेता बताया था बच्चे, फरवरी वाला पढ़े होंगे तो वहां पर इसका विजेता होगा, कल परसों बताया था विजेता, चलेगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए डैश के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किया, ठीक है, किसके साथ, तो याद रहेगा जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ, ठीक है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है साइंड पार्टनरशिप विद द जेएसडब्ल्यू फॉर द हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप 2023, कहां पर होगा, तो भारत में होगा, ठीक है, भारत में होगा, ये याद रखा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भैया मोदी ने किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया, ये इंपॉर्टेंट बता, प्रवासी भारतीय दिवस बताएगा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता, हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता, प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस बच्चे मनाया कब जाता है, ये 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो बहुत बार आप लोग को करा भी दिया हूं, दिवस वाले में भी बहुत बार कराया हूं। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाएगा ये कहां पर मनाया गया, इंदौर में मनाएगा, ठीक है, इंदौर में मनाएगा, कहां पे बच्चे, ये इंदौर एमपी में मनाएगा, कहां पर, इंदौर मध्य प्रदेश में मनाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला सवाल इसी पर है, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि थे, तो किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे, याद रहेगा ये 14 तक आपको मिल जाएगा, 14 तारीख तक है, तो मुझे लगता है 10-15 मिनट और लगेगा, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा समय ज्यादा ही लग जाएगा, मुझे लगता है 15-20 मिनट लग सकता है, अभी है बच्चे तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, चलेगा। तो मोहम्मद इरफान अली, ये तो कितनी बार करा दिया ना, मोहम्मद इरफान अली कहां के, तो मोहम्मद इरफान अली की बात करता हूं, याद रहेगा मोहम्मद इरफान अली की बात करता हूं, ये कहां के थे बच्चे, मोहम्मद इरफान अली ये गुआना के राष्ट्रपति, ठीक है, गुआना के राष्ट्रपति थे, बताइएगा गुआना की राजधानी क्या, गुआना की राजधानी आज या कल मॉर्निंग वाली क्लास में भी पढ़ाया था। कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना, तो फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना, केरल बना, फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना, केरल बना, फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना, तो केरल की बात करता हूं, फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना, ठीक है। किसे वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया, कमेंट करके बताएंगे, वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो डीवाई चंद्रचूड़ को, ठीक है, तो सवाल पूछेगा कि जनवरी 2022 में किसे वैश्विक नेतृत्व के लिए, तो डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, भारत के वर्तमान में सीजीआई। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ, तो केसरीनाथ त्रिपाठी की बात करता हूं वेस्ट बंगाल, केसरीनाथ त्रिपाठी की बात करता हूं तो वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। चलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी खिलाड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वेश चैंपियनशिप जीती है, तो स्क्वेश याद रहेगा अनाहत सिंह। मैं देखो आप लोग को स्पोर्ट्स वाला करा दिया हूं, लगभग मार्च तक का स्पोर्ट्स वाला करा दिया था, अनाहत सिंह। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये कश्मीर के पूछ रहा है, ठीक है, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कश्मीर के, तो कोई राही करके थे, रहमान राही करके थे क्या, बताएगा कौन से थे, रहमान राही, वेरी गुड, तो कश्मीर के जो पहले थे रहमान राही थे, ठीक है, रहमान राही। लेकिन सवाल आपसे ये पूछ दे कि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका निधन हो गया,
56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका निधन हो गया, तब बता दोगे कि नहीं बताना, तो बता दोगे कि नहीं, चलेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रसी शिक्षा मेला कितने जिलों में आयोजित किया गया हाल ही में जनवरी 2022 में, 2024 में, तो 242, ये कम चांस है उसे पूछने के, ये ज्यादा चांस है। किसने अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश, वो भाई सब इंपोर्टेंट, अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश किसे चुना गया, तो मनप्रीत मोनिका सिंह, किसको बच्चे, मनप्रीत मोनिका सिंह, मनप्रीत मोनिका सिंह, मनप्रीत मोनिका सिंह, ठीक है। किस राज्य के जोशीमठ को भू स्खलन अवतलन क्षेत्र घोषित किया गया था, तो जोशीमठ कहां पर, उत्तराखंड में, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। हाल ही में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई किसने जीता, 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई की बात करता हूं, तो 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई कहां पर, हाल ही में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई महाराष्ट्र में, 2021 के लिए, यहां पे प्रश्न में थोड़ा सा भी लिखेगा कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ये कम चांस है आपसे पूछने का, याद रहेगा महाराष्ट्र में, याद रहेगा जालना और नागपुर पुलिस स्टेशन, जालना और नागपुर, पुलिस स्टेशन जालना और नागपुर पुलिस स्टेशन, जालना और नागपुर पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब आते हैं 11, 12, 13, 14, तीन दिन का बच्चा हुआ, चार दिन का, ठीक है, चलेगा। हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में 150 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा, तो 150 फीट पोलो प्रतिमा की बात करते, कहां पर, याद रहेगा मणिपुर में, 150 फीट पोलो प्रतिमा कहां पर, मणिपुर में, तो आज मॉर्निंग वाली क्लास भी शायद किए होंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। सर पहला ज्ञानपीठ कौन सा, कौन पता था प्लीज, आदित्य वर्मा जी इस पे ना एक अलग से टॉपिक पढ़ा लिया हूं, ठीक है। आपको अगर ये भी नहीं पता कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले विजेता कौन से थे, तो आप समझिए एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे आदित्य वर्मा, आपकी पढ़ाई जीरो नहीं माइनस में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तब पर भी 10-12 क्लास भी लिए हैं, पहली बार कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, बताएंगे, बताइए, तो ऐसा तो नहीं ना किसी चीज के, मतलब कि क्या बोले, जी शंकरा कुरुप पहले थे, बताइए, ऐसे बोलोगे दिल दुखा दो, दिल दुखा देते हो तुम तो, आपको पहली महिला सब बताया हूं, पहली महिला हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, बताइए बताइए, अब मैं क्या करूं, इस पे मेरे पास ना एक स्टैंड है, उस पे कूद कर जान दे दूं, बताओ, उस पे कूद कर जान दे दूं, फिर तुम्हें पढ़ाएगा कौन, चलेगा। इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा, किया जाएगा, किया गया पहली बार दिल्ली के बाहर, तो जो सेना दिवस मनाया जाता 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता, 15 जनवरी को सेना दिवस, तो जो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता बाबू, पहली बार दिल्ली के बाहर, ठीक है, पहली बार दिल्ली के बाहर। सर आज अग्निवार का, आज अग्निवीर का जयपुर का एग्जाम में था पूरा का पूरा, दोस्त एक बार कमेंट अपना मेरे पास पर्सनल एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा, जो बच्चे बता रहे पूरा का पूरा 360 डिग्री से बहुत सारे प्रश्न अग्निवीर के लिए तो पूछा गया होगा, ठीक है, चलेगा। पहली बार अगर तैयारी करो तो आपके लिए माफी है, ठीक है, पहली बार याद रखा बच्चे कहां पर, अच्छा पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जीडी का देंगे अगले साल, तो आप सभी के सभी बाबू ना मॉर्निंग वाली क्लास को जरूर कीजिए, ठीक है, मॉर्निंग वाली क्लास 6 बजे वाली, इस 6 बजे वाली क्लास को जरूर कीजिए, ये आपके लिए रामपट साबित होगा। पेटीएम बैंक के नया एमडी एंड सीईओ के रूप में, पेटीएम बैंक के नया एमडी एंड सीईओ के रूप में, पेटीएम बैंक के, ठीक है, पेटीएम बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे चुनेगा, तो पेटीएम बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में सुरिंदर चौड़ा को, किसको, सुरिंदर चौड़ा को, सुरिंदर चौड़ा, किस राज्य में सेरसेरा महोत्सव मनाया जाता, तो छत्तीसगढ़ में, कहां पे, छत्तीसगढ़ में। दिग्गज फुटबॉलर ह्यूगो लोरिस ने फुटबॉल से संन्यास लिया किस देश के खिलाड़ी है, ह्यूगो लोरिस ने फुटबॉल से संन्यास लिया किस देश के खिलाड़ी है, तो याद रखा ये फ्रांस के खिलाड़ी, ठीक है, ह्यूगो लोरिस की बात करता हूं तो ये फ्रांस के खिलाड़ी, फुटबॉल फ्रांस के खिलाड़ी। क्रिकेटर डेविन प्रिटोरियस ने संन्यास लिया, डेविन प्रिटोरियस, ओ भाई साहब साउथ अफ्रीका,
दक्षिण अफ्रीका, डेविन प्रिटोरियस की बात करता हूं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, डेविन प्रिटोरियस दक्षिण अफ्रीका, डेविन प्रिटोरियस दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, वेरी गुड, चलेगा, वेरी गुड। पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो ध्यान से सुनिएगा, 12 जनवरी को जो युवा महोत्सव, युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद जयंती पर, ठीक है, विवेकानंद जयंती पर किस राज्य में उद्घाटन किया गया, या करेंगे तो याद रखा कर्नाटक में, कहां पर, कर्नाटक में, कहां पर, कर्नाटक में। बीसीसीआई के चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने, बीसीसीआई के चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने, इस सवाल को हटा दीजिए, ठीक है, इस सवाल को हटा दीजिए, क्योंकि इन्होंने फिर बाद में रिटा हटा भी दिया गया था इनको, ठीक है, तो चेतन शर्मा थे, हटे थे, फिर दोबारा बने थे, फिर बवाल किए थे, ठीक है, इस सवाल को हटा दीजिए। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की थी, तो सानिया मिर्जा ने, सानिया मिर्जा कट नथुनिया, ये गाना किसी ने सुना क्या, सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेगा, सानिया मिर्जा नथुनी पहनती है ना, तो एक बिहार के गायक है खेसारी लाल यादव, उन्होंने गाए थे, समझिए कि इन्हीं गाने ने खेसारी लाल यादव को बहुत बना दिया। किस देश ने, ठीक है, किस देश ने आदरगा, किस देश ने 600 किलोमीटर रेंज वाली एशिया की सबसे बड़ी सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया, तो हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया तो चाइना ने लॉन्च किया, चाइना ने। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता, तो विश्व हिंदी दिवस की बात करता तो आदरगा ये 10 जनवरी को मनाया जाता, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता, तो 10 जनवरी का आपका विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता, तो 10 जनवरी का आपका विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, जापान ने शीर्ष स्थान हेले पासपोर्ट इंडेक्स में बरकरार रखा क्वार्टर वन में, ठीक है, क्वार्टर वन मतलब कि एक चौथाई में अपना क्या रखा, जापान शीर्ष पर रहा हेले पासपोर्ट इंडेक्स में। पूछा भारत की रैंक, तो हेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। बॉटम की बात करता हूं, सबसे लास्ट में सबसे बात करता हूं, बॉटम की बात करता हूं, अफगान रहा था, ठीक है, अफगान रहा था, बॉटम में कौन रहा था, अफगान सबसे लास्ट में रहा था, सबस सेरो सबस, तुम तो गर्दा कर रहे यार। चलिएगा, राजस्थान के गांव में किसानों को मजबूत करने के लिए हॉकी वाली सरपंच ने किसके साथ समझौता किया था, नाबार्ड, अभी आज भी शायद कराया था मॉर्निंग वाली में, इसीलिए तो मॉर्निंग वाली इंपोर्टेंट था, रिवीजन आपका चलते रहता, ठीक है। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, तो पृथ्वी शॉ ने, कौन सा, पृथ्वी शॉ, लेकिन पहले ओवर में हैट्रिक किसने लिया था, जयदेव उनादकट ने। अगला सवाल, किसने केके अब्दुल गफार खान की आत्मकथा अनजान साक्षी, केके अब्दुल गफार खान की आत्मकथा अनजान साक्षी, याद रखा अनजान साक्षी, ये वेरी गुड, चलेगा, तो केके अब्दुल गफार खान की आत्मकथा अनजान साक्षी, बताएगा किसने अनजान साक्षी का विमोचन किया, तो एम एस धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी द ग्रेट लीजेंड। किस देश ने अपने देश में पंजाबी पढ़ाने का निर्णय लिया, किस देश ने बोला कि भाई साहब हमारे यहाँ पंजाबी पढ़ाई जगह, तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करता हूं, तो हैरी ब्रुक पुरुषों में और एशली गार्डन फीमेल में, तो मेल में ये और फीमेल में, ठीक है, फीमेल में। भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू किया, भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल स्कीम, तो यंग प्रोफेशनल स्कीम कहां पर, ये ब्रिटेन। बाबू इस पीडीएफ को 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक है, पीडीएफ को गोल्डन आर्मी करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पे। किसे पतंग राव कदम पुरस्कार से किसे सम्मानित किएगा, पतंग राव कदम पुरस्कार से, तो आधार पुणे वाला की बात करता हूं, आधार पुणे वाला। बाकी संडे को मैराथन के लिए आप सभी लोग रेडी है ना, लगभग 6 बजे से स्टार्ट करेंगे 2 बजे तक, एक बार पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। मतलब जिसने मेरी क्लास डेली ले ली उसको भाई साहब करंट अफेयर तो लगभग 80% मानकर चलू की याद ही है, जिसने डेली मेरे साथ करंट अफेयर लिया पिछले दो तीन महीना से भी, तो कल के लिए रेडी है, मतलब संडे को, चलेगा। पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को डायरी एक मुख्यमंत्री की डायरी को विमोचन किया था, तो ये आसाम के, ये थोड़ा सा कम चार्ज है लेकिन फिर भी दिमाग पे रखिएगा। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
तो जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, तो अपर्णा सिंह को। किसको? अपर्णा सिंह को। ठीक है, अपर्णा सिंह को। T20 में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात करता हूं, याद रहेगा ये सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव। नहीं पाया तुम, हाँ बोले या ना बोले। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, ठीक है याद रहेगा नाटू नाटू। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जिसको कि ऑस्कर में भी मिला। ठीक है, ऑस्कर में भी मिला। बाबू बता दो, रेडी हो ना, रेडी हो ना, रेडी हो ना, मैराथन के लिए रेडी हो ना। ठीक है, चलेगा चलेगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते, बस 5-10 मिनट और। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया? तो किस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला राज्य विधेयक, याद रहेगा, तो महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया था, तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। किसकी जयंती को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी जयंती को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सबसे पहले देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछेगा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे ये पूछ ले अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछ ले, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछ ले, तो यह कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त मनाया जाता है, दिवस याद करा चुका हूं। किसका जयंती होता है भाई साहब, किसका हैप्पी बर्थडे होता है? हैप्पी बर्थडे विवेकानंद जयंती। ठीक है, विवेकानंद जयंती। ठीक है, इस बार की थीम याद रखिएगा, कह रहा था अगर थीम की बात करता हूं तो विकसित युवा विकसित भारत। थीम की बात करता हूं कि कह रहा था तो विकसित युवा। ठीक है, विकसित युवा रहता, विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत इसका थीम रहता। ठीक है, कहां पर युवा महोत्सव मनाया गया? तो याद रखिएगा ये युवा महोत्सव भी मनाया जाता है, ये कर्नाटक में मनाया गया। ठीक है, इस बार कर्नाटक में। इसकी भी थीम सेम था, इसकी भी थीम सेम था। खेलो इंडिया सीनियर हॉकी महिला खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आसाम में की गई, आसाम में की गई। और याद रहेगा महिला और पुरुष दोनों में। ठीक है, नहीं, खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो चैंपियनशिप, ये खो खो चैंपियनशिप। ठीक है, ये खो खो चैंपियनशिप है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? चंडीगढ़ में किया गया था। वो नेशनल खो खो चैंपियनशिप था, एशियाई था, तो वो आसाम में हुआ था, चंडीगढ़ में। भारत और कौन सा देश 2023 में पहली बार द्विपक्षीय अभियान वीर गार्जियन, देखो पहले यहां पे धर्म गार्जियन होता था लेकिन वीर गार्जियन पहली बार। भारत और किस देश के पास वीर गार्जियन? तो याद रहेगा सहयोग काइजन, सिनु मैत्री, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन। ये वीर गार्जियन पहली बार हुआ। किसकी बात कर रहा हूं? जापान के साथ। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास की घोषणा की, वो किस देश के लिए खेला करते थे? तो गैरेथ बेल की बात करता हूं तो वेल्स टीम के लिए खेला करते थे, वेल्स के लिए खेला करते थे। ठीक है, वेल्स के लिए। किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया? तो कॉन्स्टेंटाइन, ओहो कॉन्स्टेंटाइन कहां पर? तो ग्रीस वगैरह। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन। बच्चे 5 मिनट और। जो बच्चे ये पूछ रहा है कि सर टाइम कितने बजे चलेगा, कितने बजे क्लास होगी, तो काहे परेशान हो रहे हो? अभी दूसरी क्लास है ना, 5 मिनट में छोड़ देता हूं। दूसरी क्लास हो रही तो परेशान होते हो, 5 मिनट में। एक दिन का तो और है, 13-14 एक दिन का और है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन हुआ था? हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर की बात करता हूं तो दिल्ली। ये बदलते रहता तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। किसने अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पे जादू नामा पर एक किताब लिखी है? जावेद अख्तर पे जादू नामा एक किताब लिखी है। तो जादू नामा एक किताब किसके द्वारा लिखी गई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जादू नामा किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रहेगा अरविंद मंडलई ने। ठीक है, अरविंद मंडलई, अरविंद मंडलई। चलेगा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया गया? तो 11 से 17 जनवरी। चलिए 11 से 17 जनवरी, बस 5 मिनट का और समय। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने इबोला रोग के प्रकोप को समाप्ति की घोषणा कर दी? युगांडा ने। कहां पर? युगांडा। ठीक है, युगांडा ने। किसने? युगांडा ने। चलेगा,
पीएम मोदी ने रिवर क्रूज गंगा बिलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो इस क्रूज की यात्रा कहां पर समाप्त हुई बच्चे? तो इस क्रूज की यात्रा डिब्रूगढ़ में। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ याद रखा, गंगा बिलास क्रूज। नाम क्या है? गंगा बिलास क्रूज। बनारस से डिब्रूगढ़ यूपी दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, 51 दिन में 50 पर्यटन स्थल, 3200 किलोमीटर। याद रहेगा, ये जरूर याद रहेगा, कौन सा देश को भारत के साथ बांग्लादेश को कवर करेगा? राज्य की बात करता है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम। ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम। ठीक है, चलेगा। आईटी के प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने अपना नया सीईओ किसे चुना है? तो कॉग्निजेंट ने अपने नया सीईओ के रूप में किसे चुना है? तो रवि कुमार को। ठीक है, रवि कुमार को अपना नया सीईओ चुना है, रवि कुमार। विश्व बैंक के वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि क्या रहेगी? तो देखो, उस समय जो बताई गई थी 6.6 और अभी भी है, ये ना आपको बदल जाती है। ठीक है, शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? शांति कुमारी पहली महिला सचिव कहां पर? तेलंगाना। शांति कुमारी पहली महिला सचिव कहां पर? तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना, तेलंगाना में। ठीक है, शांति कुमारी कहां पर? ये तेलंगाना की, इंपॉर्टेंट है। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सूर्य सरिता सिंपनी ऑफ गंगा, सूर्य सरिता सिंपनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया गया? भाई साहब, बनारस में। सूर्य सरिता सिंपनी ऑफ गंगा कहां पर? या वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटर एंड कम्युनिकेशन की बात करता है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। चलेगा, किस राज्य के ईयर ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट को एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल की मान्यता दी है? तो ये केरल का। ठीक है, किस राज्य के? तो किस राज्य के ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट को एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए? तो ये याद रहेगा, केरल का हो जाता है। चलिए, अगला सवाल, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत कुमारकोन और बेपोर को किस राज्य में स्थित है? त्यागरेगा, केरल में। ठीक है, ये कहां पे? केरल में। मशहूर सिंगर लिसा मैरी पेस्ली का निधन हो गया, वो किस देश की निवासी थी? लिसा मैरी पेस्ली, लिसा मैरी पेस्ली अतरेगा अमेरिका की थी, अमेरिका थी। चलेगा, तेज गश्ती पोर्ट श्रृंखला का अंतिम पोर्ट आईसीजी जहाज का कमीशन कहां पर रखेगा? तो आईसीजी जहाज, ये क्या नाम था? कमला देवी। कहां पे? कमला देवी। आईसीजी कौन सा था? कमला देवी था। और आज का आपके लिए आखिरी सवाल, किस मिशन के तहत भारत 3 लोगों को समुद्र तल के नीचे 6000 मीटर तक यात्रा का? समुद्रयान मिशन। कौन सा? समुद्रयान मिशन। इस पीडीएफ को एक बार सोने से पहले जरूर पढ़ दीजिएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को एक बार सोने से पहले आप सभी लोग जरूर पढ़ दीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो ये उन साथियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने डेली क्लास अटेंड किया, उसको बहुत सारी चीजें रिवाइज होगा, और जिन्होंने नहीं रिवाइज किया तो वो तो यही सोच रहे होंगे कि एक बच्चा कब से पूछ रहा है सर डीपीपी नहीं मिलती आपकी, बाबू सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं है कि करंट अफेयर बाकी सब्जेक्ट से अलग होता है। ठीक है, चलेगा, तो आशा करूंगा कि अगर आपको क्लास समझ में आई होगी, इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ वो क्या करता हूँ अभी तुरंत जाकर फर्स्ट प्रायोरिटी के, क्योंकि वो आए हुए तो अभी रास्ते में जाते जाते ही बोल दूंगा भाई साहब पीडीएफ अपलोड करते हैं, मेरे बाबू लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अभी ही पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो अभी करवा देना पीडीएफ। तो आपको लिख देता हूं यहां पर 1-14 जनवरी 1 लाइनर। बहुत लोग तो यहाँ पर क्या क्या स्टार देंगे, ये लाल लाल टमाटर कौन बन रहा है? ठीक है, कल हम लोग बाकी दिनों का कर लेंगे इसी स्पीड के साथ, इसी तरीके से के साथ। ठीक है, बाकी आप लोग को मैराथन में संडे को आ जाना। ठीक है, चलेगा, आशा करूंगा क्लास पसंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।
तो देखो पेपर जो बच्चे देख रहे हैं कि मॉर्निंग वाली क्लास कितना इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई भी पेपर 5-6 महीना बाद है उस तरीके की तैयारी करो। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस को देख रहे हो, अगले साल जीडी को देख रहे हो, तो उसके लिए आप सभी लोग सुबह वाली क्लास में। सर एक क्वेश्चन पूछना था जी बाबू, जल्दी से पूछे पीयूष जी, जल्दी से पूछे क्योंकि क्लास ऑलरेडी 10 मिनट में लेट लिया हूँ। ठीक है जल्दी से पूछे बाबू, एक बार सभी लोग रुक जाएंगे। पीयूष जी से वो पूछते हैं कि पीडीएफ वो रुक जाए, एक बार सभी लोग रुक जाए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे जल्दी से। ठीक है बाकी एमटीएस का जैसे ही पेपर हो जाएगा बाकी लोगों से, एमडीएस का जैसे ही पेपर हो जाएगा बाकी फिर उसी तरीके से थ्योरी वाले पोर्शन पर जाएंगे। ठीक है तो थ्योरी एमसीक्यू बीच में भी चलता रहे, एमसीक्यू भी चलते रहे, करंट अफेयर तो सबके लिए एक ही होता है ना। जल्दी से बच्चे पूछ लीजिए, क्या 5 PM मोर्गी का 5G उद्घाटन क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा बच्चे मोर्गी, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिए, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, अगर नंबर होता नहीं तो कॉल ही ढूंढ के बस। ठीक है चलेगा, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। और एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।